आज पहुंचे हैं भाई रोहतक शहर के सांपला में। और भाई आपने 22 किलो फर्स्ट टाइमर जिस झोटी ने दूध दिया है उसकी पूरी जानकारी देंगे, सेकंड टाइमर में कितने दूध की उम्मीद है और बहुत बढ़िया तैयार कर रखी है, और कीमत जानने के लिए भाई पूरी वीडियो जरूर देख ली। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजयविंद्र रोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम। भाई आज पहुंचे हैं भाई सांपला शहर के अंदर जो कि भाई रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोहित भाई के पास में। बहुत बढ़िया पशुधन रखने का भाई ने शौक है और बढ़िया झोटी तैयार कर रखी है, बढ़िया की हम किसने संज्ञा दे हैं जो अच्छा दूध काट दे, सेहत की भी अच्छी है और भाई ब्यूटी की भी ठीक है, और भाई इसका जो कटड़ा है वो भी आपने दिखाओगे फर्स्ट टाइमर का बढ़िया तैयार है। रोहित भाई राम राम। राम राम भाई, दर्शकान और कर दो भाई, दर्शकान सारे, दर्शकान भी राम राम भाई सर। और ठीक है भाई जी, सब बढ़िया भाई जी। तो रोहित भाई सबसे पहले तो न्यू बताओ भाई, पढ़ाई लिखाई में क्या कुछ कर रहे? बीए कर रखी है भैया जी। कौन से कॉलेज थे? जाट कॉलेज थे। अच्छा जी, बीए करण के बाद फिर कितने नौकरी नाकरी का निरोजन बनया? ना भाई, नौकरी नाकरी एक ही तरफ गए को ना भाई। अच्छा, अपना ही काम पशुपालन में? पशुपालन में भी है जी भाई साहब, अपना काम प्रॉपर्टी का भी है। प्रॉपर्टी का काम? हाँ जी भाई साहब, पशुपालन का तो शौक है भाई साहब। शौक से जी, शौक भाई साहब। तो मेन काम तो प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का भाई साहब। देखो भाई, प्रॉपर्टी का तो एक अलग मजा है क्योंकि इसमें नफा भी इतना है, नुकसान भी हो जाए कई बार। हो जाए भाई, हो जाए। गलत है भाई साहब, हो जाए भैया जी, ईसा काम है भाई। कई बार नुकसान हो तो घना है, जर नफा होता है एक का बस सारे नुकसान ना हो जाए भाई साहब। पशुपालन का काम भी इससे तरीके का भाई, इसमें कई बार पशु अच्छा तैयार हो जाए तो वो भी उम्मीद पर खरा उतरिया करे, दो पीछे बढ़िया बच जाए उसमें। यह बात है भाई, अगल से सही बात है। तो पशुपालन तो भाई लगातार चलता रहेगा अपने परिवार में? लगभग दादा से पीढ़ी से चलता रहा। अच्छा, पशु कभी से? तो दूध का काम है भाई अपना? हाँ, दूध का काम है भाई। के बात चल रहा है दूध? 80 रुपये है भाई दूध। एक बार डेयरी की लोकेशन और बता दे भाई, के है अपना डेयरी की लोकेशन? है भाई नियर की जी रोड। अच्छा, और भाई बंद फाटक है? बंद फाटक है, सांपला शहर में है। हाँ। जला रोहतक है, हरियाणा प्रदेश। हरियाणा प्रदेश है भाई। तो भाई आज की वीडियो में क्या पशु दिखाओगे वे बता दो। आज की वीडियो में दो पशु है भाई, दो सेल खातर है दोनों। हाँ, दोनों सेल खातर है भाई। चलो भाई एक नंबर से जानकारी ले लेते हैं भाई की, कैसे पशु भाई ने तैयार कर रखे। लाइए भाई एक बार, पशु में तो कोई भाई चूक नहीं है क्योंकि भाई ने इसके बारे में जो बताया एक बार तो हमने भी आश्चर्यजनक लग गया, पर बाकी डिटेल भाई तो बूझ ले हैं। पहले तो न्यू बता भाई, अपने घर की झोटी है खरीद के लाई ओढ़ है? ना भाई, अजय मैं खरीद के ले आया था। इससे ने लेकर आया था भाई? इससे ने लेकर आया था भाई। कितने के दिन की थी जब लिया भाई? ना ब्याण तो ये 10 दिन पहले ले आया था जी भाई। ब्याण से 10 दिन पहले लेकर आए थे भाई। अच्छा, फिर अपने घर आई भाई? भाई घर आई भाई थी भाई जी। तो पहला ब्याह तो अपने घर आ रही भाई? पूरा ब्याह तो अपने घर आ रही भाई। कितना दूध काटा इसने भाई फर्स्ट टाइमर? फर्स्ट टाइमर में 22 किलो दूध निकाला जी भाई इसने। ये 22 किलो कट्टे के तो लगा था अक भाई, लीटर में था? लीटर में था भाई। 22 किलो दूध इसने फर्स्ट टाइमर ने कह दांत ने काटा भाई? कह दांत छह दांत थी भैया जी, जी छह दांत पे आई थी? छह दांत पे आई थी फर्स्ट टाइमर भैया, छह दांत पे आई थी, 22 किलो दूध काटा। देख ना तो गणी पुंजल सफेद इसकी। हाँ भाई। और ना को सींग टूट रहा इसका, अक भाई निवास में ना ही लग गए। तो फिर HLDB में रिकॉर्ड करवाना था इतना दूध तो भाई साहब? भैया जी वो इतना ज्ञान ना था, बेरा ना था, यो भाई ने रवि ने बताई थी यो हड़ा आया है ते यो इस मीडियल सोशल मीडिया पर शुरू करया है। अच्छा अच्छा। हाँ। नमस्कार पशुपालक साथियों, क्या आपका पशु बांझपन का शिकार है, या वह बार बार फिरता है, या वह गर्भ धारण नहीं कर रहा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से ही खिलाना स्टार्ट करें अपने पशु को राइटमीन। जी हाँ, राइटमीन के अंदर सभी पोषक तत्व A1 क्वालिटी के हैं, जो आपके पशु के शरीर को ठीक करके उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपका पशु सालाना बच्चा पैदा करता है। राइटमीन की पैकिंग 1 किलो, 5 किलो व 20 किलो की बाल्टी में उपलब्ध है। राइटमीन को आप सभी मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन Amazon पर भी खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7890042000 पे संपर्क भी कर सकते हैं। क्योंकि बताऊं क्या चक्कर है, अपना तो काम हम सब ने बेरा भाई, अगर दूध चोखा काट है ना पशु HLDB में रिकॉर्ड करा दो भाई, एक अपने द्वारा प्रूफ हो जाए है, सरकार भी आपने प्रोत्साहन दे है, ऐसी बात नहीं है। और HLDB में रिकॉर्ड होता तो भाई एक और लाइव चल रही होती तो और सुनने पशु आगा हो जाए है कि नहीं? ये तो है भाई, आप भी वीडियो देखो लाइव में तो कोई ऑब्जेक्शन है को नहीं रहता? ना 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 ना,
लाइव जब हम चलाओ है ना तो कमेंट मेन्यू भी कर कह दें लोग भाई थोड़ा काटा सीधा दरवा भाई बाल्टी पूरी नहीं दिखती भाई बाल्टी पूरी खाली करवा के देखो क्योंकि लाइव जब चल रहा है तो उसमें इसी तरह हो जाए भाई जितनी भी ऑडियंस हमारी वह जज हो जाए है जो वाकव है वो हमने करना पड़ा है क्योंकि लाइव भी हम उनकी संतुष्टि के लिए चला रहे हैं तो उस तरह का हमने लाइव चला के दिखाना पड़े। हाँ भैया जी 22 किलो दूध या काट रही होती तो मजा अलग आ जाए लाइव में। देख घर पर तो काट दिया होगा मैंने नाश्ता। हाँ हाँ जी भाई गलत से बताओ भैया जी क्या बात है जैसे चक्करी हो भी है हम तो अपनी उसको बता हमने पहली या झोटी है जो हमारे पास है जो फर्स्ट में 22 किलो काट दिया इतना दूध काट दिया इतना दूध काट दिया है। अच्छा हाँ तो 22 किलो दूध अपने घर इसने कट्टे के तोल का काट रखा है ना लीटर में भाई लीटर में है लीटर में कट्टे के तोल कट्टे नहीं था वो अपने डल्लू मारया करते डल्लू मार ज्यादातर तो अजय भाई मन चाहे भी ने दूध इसका आधा ही काट बच्चे दे पहला आया है तो 22 तभी ऊपर काट रखा है दूध। हाँ कुछ ऊपर भी हुआ भाई साहब जे मैंने बताना रहा बच्चे तो ज्यादा दूध पिया छह महीने लगातार बच्चा यानी कि इसका जो फर्स्ट टाइमर में कटड़ा दिया था कटड़ा दिया था भाई वो तैयार करे भाई वो तैयार करे भाई। अच्छा भाई तो ई ब्याह दूसरे ब्याह होगी दूसरे ब्याह होगी भाई कितने एक दिन रहेगी भाई साहब इसने भाई 26 तारीख ने दिन पूरे कर लिया जे भाई 26 तारीख ने इसका टाइम पूरा हो लिया। हाँ। आज 30 तारीख होगी ना 30 तारीख हो गया जे भाई। देखो भाई गर्मी में कई भाई ने कहा रहा गर्मी है के बरा दो चार दिन पहला ही बह जा या चार दिन ऊपर चल रही है भी। हाँ। है कि नहीं। हाँ भाई गर्मी में को चूक नहीं है कत्ती तोड़ हो रहा गर्मी का। हाँ, तोड़ हो रहा जे भाई है और पर हो रहा 49 तक जाली बात मेरे ख्याल रोज टेम्परेचर तो 49 तक जा रही है 49 तक जाली है टेम्परेचर है और भाई फिर भी बस चार दिन ऊपर ले लिया ही ना देखो कल ब्याह हुआ परसों ब्याह हुआ बतौर लग गए गुंजाशी का लग गए गुंजाशा लेगी पिछली बार भी एक हफ्ता ऊपर लिया था भाई एक हफ्ता ऊपर लिया था तो कौन से बुल तो क्या बना भैया या भाई एक गांव में ही अच्छा बुल है उससे क्या बना भाई डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा रखी है डायरेक्ट क्रॉसिंग करा रखी है भाई गांव अपना कौन सा भाई गांव है खेड़ी सांपला है भाई अपना खेड़ी सांपला। हाँ भाई तो भाई फर्स्ट टाइम मरी अच्छा दत्ता ब्याह थी तो बरगी होगी दांत दांत भर रही है जी भाई दांत भर गई जैनवन दूसरे ब्याह होगी भाई जैनवन दूसरे ब्याह होगी भाई तो डाइट प्लान के कुछ दे रखा है भाई तैयार तो बढ़िया कर रखी है अपना डाइट प्लान भाई अजय जैसे ये है चने दलिया राजधानी खांडा खड़ छलका कैल्शियम ब्रूटोन हरेक सौदा चल रहा है तकरीबन बढ़िया डाइट खिला रहे हो बढ़िया डाइट तकरीबन देखो भाई धार दुराई किसी की धार दुराई बहुत करी है नरम चौवाई थी नरम चौवाई मोटी चौवाई और एक दुधारू पशु की जो पहचान हो उसका स्वभाव जो है भाई वो स्वभाव तो न्यू मान ले मानसा की भी है पहचानो है शांत स्वभाव होगा जो मानस होगा ना भाई उसने तो सब बनू चाहू भाई ठीक से माना ठीक से माना और पशु भी शांत सब आओ गए चाहो सब। हाँ हाँ गलत से भाई ना अभी बाप देख लो जे भाई अब कह बैठे देख लो भैया को लड़का भी और बाप दिखा भी दुआ नायका दी तो तस्वीर ने देख के इसी चमकाया रहा कैमरा देखते है और इसने देखो भाई जनू तो ये देख अजय फोटो शूट चल रहा है देख आराम तक खड़ी है और ये देखो भाई बिल्कुल शांत स्वभाव की है कोई भी किसी तरह की दिक्कत को ना भाई झोंका है मारा है देख भाई कितने शांत स्वभाव होगी क्यों करा अपने जब बच्चा भी नीचे कोई मतलब नहीं इतना शांत स्वभाव है कोई दिक्कत को नहीं भैया। हाँ देखो भाई जिसा भाई ने बताया शांत स्वभाव है बच्चे चाहे बड़ा हो बुढ़ा हो कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत नहीं भाई क्यों करा है किसी भी तरह की इसी वो नहीं है इसमें हलचल भाई घर ले जाएंगे तो भाई मारेगी ना कोई दिक्कत को नहीं कोई दिक्कत तो न्यू बता दे मेन बात जो है भाई दूध तो आपने बताया 22 किलो। हाँ जी भाई ना कि तेरे कोड है ना लाई मिल्किंग चल रही ना, ना ना भाई यो है मौखिक भाई मौखिक है भाई जो आपने बताया है। हाँ भाई इब अग देखो भाई दूसरे ब्याह में कितना कट देगी आप इसने भाई लाइव मिल्किंग चलवाओगे क्या बढ़ने सेल करोगे किसी का भाई बात नहीं घमाओगी तो वो लेकर जागा। हाँ भाई तो के कुछ मोल करोगे इसका अगर बेचनी है तो भाई कै रुपया की बेचनी है एक का रेट बताइए भाई इतने ही बेचेंगे 11 लाख रुपये देंगे जी भाई 11 लाख। हाँ प्लाट नहीं है भाई साहब मैं प्लाट कड़े मिल रहा भाई साहब प्लाट तो करोड़ के हो गए भाई भाई का काम प्रॉपर्टी का मैं जान नहीं को मैं प्लाट तो जी भाई करोड़ रुपया के हो रहे 11 लाख में की हो रहे हैं भाई इसमें कोई तो भाई 11 लाख रुपया आपने चलो 22 किलो फर्स्ट टाइमर का बताया इसका दूध। हां जी भाई तो सेकंड टाइमर में 11 लाख मंगन में जब है मजा जब इसकी लाइव मिल्किंग करवाओ आप। हाँ लाइव मिल्किंग करा देंगे जी भाई। और भाई जी साहब बताओ बच्चे तो छोटे रहते थे भाई फर्स्ट टाइमर है 23-24 काट रही होगी। हाँ अंदाजा इतना है भाई तो कम से कम 26-27 किलो तो दूसरे ब्यात में काटना 26 किलो का तो अजय भाई पूरी उम्मीद है इसकी उम्मीद है ना। हाँ। तो क्योंकि देख इब तो गर्मी जेठ का महीना चल रहा है जेठ का महीना ब्याह होगी
तो जेठ साठ सामने सामने में बारिश बुरिश हो जाए उस टाइम तो न्यू मन तकरीबन पशु ठीक दूध पा जाए। हाँ हाँ हाँ। उस टाइम पर भी अगर आप लाइव मिल्किंग करा दो इसकी 26 किलो दूध तलवा दो, पहली बात तो भाई एक आपके एरिया का इस एरिया मेरे ख्याल इतना दूध तुल्या नहीं होगा, नहीं, नहीं तुल्या भाई रपिये तो अलग बात से, पर एक नाम कमाना अलग चीज अलग चीज है, गलत है ना, सही बात, क्योंकि नाम हो जाएगा भाई पशुपालन में, काम करया है तो नाम भी करया है ना, सही बात है जी भाई, ना सही 26 किलो दूध तलवाना भाई शान बात नहीं है आज के टाइम। और फिर एक बात और भी है जी भाई, नू कोना जैसे एक भाई यो दूध बनाया 2 महीने बना दिया 3 महीने जिस दिन या 6 महीने की गैप बन दी उस दिन भी 18-19 किलो दूध था, लंबे समय तक दूध, लंबे समय तक दूध दे, मतलब अच्छा जी यो नहीं है भाई 2 महीने दूध बना दिया फिर दूध है, लंबे समय तक दूध दे रहे हैं। तो मैं तो न्यू कहूं भाई साहब रेट आज न्यू बता दो कि इतने रुपए की बेचेंगे, ये हमारा फिक्स प्राइस है, इस तक आटा पर सेल को नहीं करा, ये बता दिया जी भाई आप, ये फिक्स प्राइस है भाई, फिक्स प्राइस है भाई, इमा रोहित कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मान सम्मान की बस भाई, मान सम्मान की कहे भाई देखो भाई ने रेट बता दिया है और दूध बताया कि भाई 22 किलो दूध दे, इसने फर्स्ट टाइमर ने अपना घर काट रखा है 22 लीटर, ये लाइव मिल्किंग में तलवाओगे जो इनको 25-26 की उम्मीद मानना है, ये लीटर में तो ना मपौड़े तो कांटा दे रह जाएगा भाई साहब, तो उसका कितना गंदा जमान हो, देखो भाई चामी चुमी तो जमा पतली चामी की है, और सब तब एक मेन चीज जो है आज तक वीडियो हमने खूब बनाई है भाई, हाँ जी भाई। इसका जो मैंने शांत स्वभाव है ना पशु का, ये बहुत पसंद आया भाई, जमा शांत स्वभाव होगी है भाई, ना इतनी आड़ में तो सरप का पुछड़ गमा देगा इतना इतना वजन होने के माइक मुई का, बिल्कुल शांत स्वभाव का पशु है भाई, बढ़िया शानदार पशुधन है, अरे तो टाइम लेगी भाई बयान में, और भाई ये टिक्की दिखते कई वह सब गए उसकी याद आ जाती होगी, पोना ले जमानी है नहीं है, बोले मुर्राली टिक्की, मुर्राली टिक्की, मुर्राली टिक्की भी भाई बढ़िया, ये टिक्की रही मुर्राली, तो भाई मैं तो न्यू कहूंगा ऐसा ऐसा पशु जो खरीदनिया है वो भी न्यू सोचा है खरी करके लू, खरी करके लू अगल से, सही बात है भाई, और आप भी अगर खरी करके बेचोगे तो उसमें नाम भी होगा, कोई लाना भी शरीर ना, कोई दिक्कत नहीं भाई जी भाई, इका दूध तलवा के और जब सेल करोगे उस मौके पर कीमत मांगे तुमने आराम ना, ठीक ठीक है दे भाई, भाई ने इसकी 11 लाख रुपए कीमत बताई है, पर मैं नहीं चाहूं भाई इसकी भी संतुष्टि हो जाए, अपना रोहित भाई की भी, और कोई खरीदा उसकी भी संतुष्टि हो जाए, गलत है ना, सही बात है जी भाई, और भाई फोन नंबर के कुछ अपना 98-126-54-330 है जी भाई, 98-126-54-330 भाई का नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर लियो, जो कोई भाई भी खरीदना चाहता हो सेकंड टाइम डिलीवरी करेगी, सांपला में खड़ी है भाई ये झोटी, और भाई कमेंट में आप भी अपनी लगातार राय न्यू देते रहा करो, और भाई कोशिश यह करा करो एक दूसरे ने मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें, क्योंकि बढ़िया पशु आसानी से तैयार नहीं होते, बहुत घनी मेहनत लग गए है, इसी जो गर्मी है ना इसमें न्यू मान लो दो फारी में भी काम करना पड़ा, दो फारी में भी करना पड़ा जब जाके इसे पशु तैयार हो, तो राम राम भाई सारे भाई, राम राम कर दो भाई, राम राम भाई सारे भाई।